एक छोटा सा काम है, एक ताला खुलवाने का 5 कैरेट का डायमंड मांग रही है, ये एक छोटा सा केस है। तो जब आपकी प्रायोरिटीज ये हो कि बनी गाला हेडक्वार्टर बनाओ करप्शन का, मैं ये बता दूं कि फरा गोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन, डायरेक्ट बेनिफिशरीज वो इमरान खान है और वो बजरिया, वो जो पीरनी साहिबा है। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक एक नौकरी, एक एक तकर्री, एक एक तबादले के लिए जो बनी गाला जिसका हेडक्वार्टर था उन्होंने कितना कितना पैसा लिया। बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर था, एक ताला खुलवाने के लिए साबिक खातून एबल को 5 कैरात हीरा चाहिए था, ये छोटा सा केस आंखें खोलने के लिए काफी है, एक एक नौकरी तकर्री और तबादले के लिए पैसा लिया गया। फरा गोगी इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। मरियम नवाज के तनकीदी वार, बोली 70 साला एक बच्चा इनकलाब लाने निकला था, आज तक वापस नहीं पहुंचा, सुपर पावर को ललकारने वाला गिरफ्तारी से डर गया। दिन में काम नहीं होता, रात में आराम, बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 8,000 के करीब हो गया, कराची में लोड शेडिंग 15 घंटों तक पहुंच गई, लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे रिकॉर्ड, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, गुजरांवाला के शहरियों का बुरा हाल, देहात में बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है। कल से इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज फैसले किए हैं उसकी रोशनी में कल से इंशाल्लाह लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी, 16 जून से इंशाल्लाह इसको 3 घंटे से कम कर दिया जाएगा और 30 जून से इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग जो है ये 2 घंटे से भी कम 1.5 घंटे के लगभग होगी और हमें उम्मीद है कि जुलाई में हम इसे मजीद कम करने में कामयाब होंगे। एक और बात, कल से लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का ऐलान कर दिया। शाहिद काका नबासी कहते हैं 16 जून से लोड शेडिंग 3 घंटे से कम हो जाएगी, जून के आखिर तक 2 घंटे पर आ जाएगी। लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत चाहते हैं, मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें खरीद से कम पर आवाम को देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने 2 रोज़ पहले 2 घंटे लोड शेडिंग की हिदायत की थी। IMF से कर्ज के चक्कर में आवाम का कुचूमर निकल गया, पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करके भी दाल नहीं गली, IMF की एक और शर्त पर अमल होगा, बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराहत खत्म होंगी, सालाना 10 लाख से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ेगा, ऑनलाइन गेम, यूट्यूब और टिकटॉक से आमदन पर टैक्स बढ़ेगा, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी IMF की मंजूरी से मशरूत। डॉलर की फिर डबल सेंचुरी, इंटरबैंक में 2.14 रुपए महंगा होकर 200.06 रुपए का हो गया, ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा 201 रुपए का हो गया, हुकूमत के मजमूई कर्जों में 18% इजाफा, वफाकी हुकूमत के कर्जे 43,704 अरब के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए, सोना 2,800 रुपए महंगा, 1,42,000 रुपए तोला हो गया। पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफे से माली बहरान से निकल आए, मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा, रोशन डिजिटल अकाउंट्स को मुनजमित करने का मंसूबा नहीं, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत, कहते हैं वजीर आजम किफायतशुमारी इकदाम का ऐलान करेंगे। हफ्ता इतवार मुकम्मल छुट्टी, जुमे को आधा दिन काम होगा, 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए नई तजवीज़ दे दी, कहते हैं इस इकदाम से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी, किफायत शारी के कल्चर को फरोग मिलेगा। इमरान खान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नैप के रिडार पर, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बदउनवानियां सामने आने पर नैप की तहकीकात शुरू, DFO डेरा इस्माइल खान से रिकॉर्ड तलब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2014 में मंसूबे पर 14 अरब रुपए खर्च किए। जो 4 साल मुल्क के साथ होता रहा अपने जाती मफादात के लिए, अपनी जाती फायदों के लिए, अपनी वेल्थ और इनकम में इजाफे के लिए, किस तरह जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल किया गया, कार्टल्स और माफियाज की जेबें भरी गईं और अवाम की जेबें खाली की गईं, ये सिर्फ तोशाखाना की घड़ी या बुशरा बीबी की अंगूठी का मामला नहीं है। ऑडियो लीक आई जिसके अंदर जो फरा गोगी साहिबा हैं वो डील कर रही हैं कि बुशरा बीबी को 3 कैरेट पसंद नहीं, उनको 5 कैरेट की अंगूठी पसंद है।
चार साल अपनी जेबें भर लीं लेकिन अवाम की खाली कर दी। बनीगाला में करप्शन अमलियात होती रही। करप्शन का खुरा इमरान खान और बुशरा बीबी तक जाता है। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली ये खाली अंगूठी और घड़ी का मामला नहीं। फरा गोगी ने हर मंसूबे, डील और ट्रांसफर से पैसे बटोरे। उन्होंने मुल्की मफाद को अंगूठियों और घड़ी के बदले बेचा। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए, सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही रद्द अमल देने की मजाज है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दो टोक मौकिफ, कहते हैं जौहरी प्रोग्राम को सबकी हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क्यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ है, कौमी सिक्योरिटी नाकाबले तकसीम है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान के मुतनाज़ इंटरव्यू के खिलाफ कौमी असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की मुजम्मत। करारदाद के मुताबिक पाक फौज अपनी जिम्मेदारियां आइन के मुताबिक सरंजाम दे रही है। बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कौमी असम्बली और सेनेट में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। मोदी हुकूमत से जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। जुमे को भारतीय हाई कमीशन जाकर एहतजाज का फैसला। भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना तबसरों पर पाक फौज की मुजम्मत। DGISPR का कहना है ये इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ देह है। ये मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का मुंह बोलता सबूत है। भारत में मुसलमानों और अकलियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक रवा रखा जा रहा है। पाकिस्तान और अरब मुल्कों में बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स मुहिम। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत समेत कई मुस्लिम मुल्कों में स्टोर से भारतीय अशिया हटा दी गई। कतर और कुवैत का भारतीय हुकूमत से मुआफ़ी का मुतालबा। ईरान में भी भारतीय सफीर की तलबी। OIC ने तौहीन आमेज बयान देने वालों की पुष्ट पनाही करने वालों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में मुसलमानों के शदीद रद्द अमल पर बीजेपी तर्जुमान मुअत्तल। नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। सिंध हुकूमत ने MQM का बड़ा मुतालबा मान लिया। MQM अराकीन की तरक्याती स्कीमें बजट में शामिल करने का फैसला। अराकीन को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। MQM ने बजट तजावीज दिए जाने की तस्दीक कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली इंतजार करते रह गए। तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए न पहुंचे। तहरीक इंसाफ के अरकान को स्पीकर के पास जाने से रोक दिया गया। बाबर अवान का कहना है कि कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। अरकान को गैर कानूनी नोटिस भेजे गए। पंजाब के हल्के PP 125 और 127 के जिमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ गया। DPO झंग, हसन असद अलवी के फौरी तबादले के अहकाम जारी। हसन असद अलवी 10 का जिमनी इलेक्शन में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। दौरान सर्विस इंतखाबी ड्यूटी नहीं कर सकते। लार्ज इन्वेस्टमेंट वर टेकिंग प्लेस इन टेक्सटाइल, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। लॉट्स ऑफ ट्रेड डेलीगेशन वर विजिटिंग पाकिस्तान। Pakistan delegation were visiting Japan, Tokyo. Youthful days, I used to also lead delegations. So, gone are those days. We must bring them back. That's very important. And I have to say, even at the cost of reputation, that Japan has been one of the largest donors of Pakistan. जापानी कंपनीज के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ की एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री करार देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। वज़ीर आज़म की जापानी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। कहा जापान पाकिस्तान के करीबी दोस्तों में से है। जापान का शुमार पाकिस्तान के बड़े डोनर ममालिक में होता है। गरीब के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया। तामीराती सामान पहुंच से दूर। सीमेंट, रेत, बजरी की कीमतों में इजाफा। सीमेंट की बोरी 100 रुपए बढ़कर 1000 की मिलने लगी। रेत की छोटी ट्रॉली 2500 रुपए महंगी होकर 6000 रुपए तक जा पहुंची। बजरी 30 रुपए इजाफे से 115 रुपए फुट हो गई।
कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा। शहर काद में दूध कहीं 150, कहीं 160, कहीं 170 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। जरिए इंतजामिया दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लंदन में पाकिस्तानी मलबूसात की नुमाइश, दीदा जेब लिबास पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक, शायकीन से खूब दाद समेटी।